हेलो, वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं स्टीली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, अब तक हमने बायल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया, गादरोज लॉ पढ़ा, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा। जितने भी हमने गैसेस लॉ पढ़े, उन सभी गैसेस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक थियोरी आई, जिसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखो, आप बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हो कि अगर आप वैल्यूम को आप यदि इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। चार्ल्स लॉ कहता है कि वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर। वैल्यूम बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वैल्यूम इज डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ, डायरेक्टली प्रपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जितने भी आप लॉ जानते हो, बायल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगाड्रोज लॉ हो गया, या फिर आपके पास ये हो गया पी बी इक्वल एन आर टी हो गया, तो जितने भी लॉ हैं, ठीक है ना, इन सभी लॉ को प्रूफ करने के लिए या फिर इन सभी लॉ को समझाने के लिए कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि वैल्यूम जब हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वैल्यूम इंक्रीज होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वैल्यूम इंक्रीज करता है। तो इन सभी लॉ को प्रूफ करने के लिए, इन सभी लॉ के बारे में बताने के लिए कि आखिर ये कैसे होते हैं, इसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक थियरी आई, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। तो देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस क्या कहता है, इसके कुछ पास्टुलेट्स हैं और इनके पास्टुलेट से ही हम समझ पाएंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी एग्जैक्ट पार्टिकल्स के, गैसों के पार्टिकल्स के बारे में क्या कहता है। तो पहला पास्टुलेट हम देखेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी का, पहला कहता है ईच गैस इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ अ गिवन गैस आर आइडेंटिकल इन देयर प्रॉपर्टीज। ये वाला पहला पास्टुलेट देखते हैं, कह रहा है सभी जो गैस हैं वह किसी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, किसी आइडेंटिकल पार्टिकल से बने होते हैं, वो पार्टिकल एटम हो सकता है या फिर वो मॉलिक्यूल हो सकता है। और किसी एक गैस के लिए उसके सभी पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं। सपोज करो यदि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस फिल है, मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर ऐसे गैस फिल है, और सपोज कर लेते हैं कि ये जो गैस है यह गैस आपका है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, तो अब जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, मान लो एक मॉलिक्यूल ये वाला किसका है, हाइड्रोजन का, तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सेम गैस के, सभी गैस के मॉलिक्यूल सेम होंगे, आइडेंटिटी उनकी क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर इसके अंदर हीलियम गैस होता है, अगर सपोज कर लो आप कि अगर इसके अंदर हीलियम गैस होता है तो हीलियम गैस के अगर एटम होंगे तो हर एक एटम हीलियम गैस का सेम आइडेंटिकल होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। तो सेम गैस जो होता है, सेम पार्टिकल का बना होता है, सेम गैस के अंदर सेम एटम होते हैं, फिर सेम मॉलिक्यूल होते हैं। यह पहला पास्टुलेट कहता है, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड पास्टुलेट देखते हैं, सेकंड पास्टुलेट कहता है द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस आर सो स्मॉल एंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दैट द एक्चुअल वैल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल इन द कंपेरिजन टू द टोटल वैल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। अभी अभी हमने देखा जो पार्टिकल हैं, जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल का वैल्यूम उस गैस के टोटल वैल्यूम की तुलना में निग्लिजिबल है। क्या कह रहा है समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक कंटेनर हो, ठीक है, कंटेनर हो और इस कंटेनर के अंदर ऐसे छोटे छोटे गैसेस के पार्टिकल प्रेजेंट हो, ठीक है, गैसेस के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट हो। सपोज कर लो आप कि एक कंटेनर 22.4 लीटर का हो, 22.4 लीटर का हो, पूरे कंटेनर के अंदर जो गैस है उस गैस का वैल्यूम कितना, 22.4 लीटर। अब एक बात बताओ, किसी एक पार्टिकल का वैल्यूम क्या होगा, किसी एक पार्टिकल का, किसी एक पार्टिकल का, आप जानते हो कि 22.4 लीटर में 6.023 × 10^23 इतने पार्टिकल हैं, यानी कि यह जो कंटेनर है अगर मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ही है तो हाइड्रोजन गैस के इतने मॉलिक्यूल हैं तो उसका वैल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। किसी एक गैस का मॉलिक्यूल का, किसी गैस के किसी एक मॉलिक्यूल का वैल्यूम डिफाइन कर पाना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं कि आप उसका वैल्यूम अकेले नहीं डिफाइन कर पाओगे। अगर इस पूरे कंटेनर में अकेले एक गैस के पार्टिकल को रख दो तो उसका वैल्यूम आप नहीं डिफाइन कर पाओगे, मतलब इस गैस का जो एक्चुअल वैल्यूम है, मान लो कि एक्चुअल वैल्यूम है, वैल्यूम का फार्मूला आप जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो अगर आपको किसी एक पार्टिकल का कह दिया जाए अगर आप वैल्यूम बताओ तो इस पार्टिकल का वैल्यूम इतना कम होगा कि वह उसके टोटल वैल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होगा। अब मान लो इतने सारे पार्टिकल का आपने वैल्यूम कंबाइन किया तब तो 22.4 लीटर हुआ,
इतने पार्टिकल का किया तब कितने हुए 22.4। अब बताओ एक संख्या इतनी बड़ी है, अगर मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ यहाँ पे करूँ तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6023। इसके अगर 20 बढ़ाते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो इतने सारे पार्टिकल हैं, बात समझो, 6.023 10 पे 23, इसका 30 से मैंने ये कैंसिल कर दिया तो 6023 इधर 20, ठीक है। अब इतना लंबा पार्टिकल अब गिन भी नहीं पाओगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़, कितना गिन हो गया, कितना जाओ गया, इतने लंबे नंबर्स में इतने सारे पार्टिकल थे, तब वॉल्यूम कितना था, 22.4 लीटर था। अगर मैं कह दूँ इसके अंदर से सिर्फ एक पार्टिकल का बताओ तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम आप इसके कंपैरिजन में बता पाओगे, मतलब निगलेजिबल होगा, आप बताओगे भी लेकिन तब भी वो 22.4 लीटर के सामने निगलेजिबल होगा। वॉल्यूम क्या आ सकता है, 0.001 लीटर ऐसे करके कुछ आ सकता है, इससे भी कम आ सकता है किसी एक पार्टिकल का। तो एक चीज़ ध्यान रहे कि जो पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बने होते हैं गैस के, और वो गैस के पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, और किसी एक पार्टिकल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल का वह उस गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, निगलिजिबल होगा, हो जाएगा ठीक। थर्ड पास्टुलेट देखते हैं क्या है। थर्ड पास्टुलेट कहता है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द गैस मॉलिक्यूल इज निगलिजिबल। ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा है, कह रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द गैस मॉलिक्यूल इज निगलिजिबल, कि मतलब गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। अब एक बात समझिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लगता तो है लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट अपना नहीं बना पाता है। अब देखो जो पार्टिकल है गैस के वो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, मान लो ये गैस के पार्टिकल्स हैं तो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो गैस के पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी तो लगेगी, ऐसा नहीं कि ग्रेविटी इसके ऊपर काम ना करे, ग्रेविटी हर उस चीज़ के ऊपर काम करती है इसके जिसका मास है, इन पार्टिकल के मॉलिक्यूल के कुछ ना कुछ मास तो होते हैं, तो इनके मास की वजह से ग्रेविटी इनके ऊपर लगती तो है, ग्रेविटी चाहती है कि ये नीचे कंटेनर के नीचे तली में आके बैठ जाएं, चाहती है ग्रेविटी कि इन्हें हम नीचे की तरफ खींच लें, लेकिन ये जो पार्टिकल होते हैं एक तो इतने डिस्टेंस पर होते हैं और एक तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वह निगलिजिबल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, यहाँ पे लिखा भी है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैस, यानी कि जब इनके पार्टिकल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क कर रहा है, इनके पार्टिकल बहुत डिस्टेंस पर हैं, अगर इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करता भी है तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, पार्टिकल आपस में बंधे हुए नहीं है, और बहुत छोटे पार्टिकल के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा। अगर जो ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटी उतना इफेक्टिव होगा। अब बताओ किसी एक छोटे से पार्टिकल का मास क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है ना, बहुत कम होगा, एक ग्राम से भी कम है, एक मिलीग्राम से भी कम है, तो उतने कम मास के लिए जो इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगा वो बहुत कम लगेगा। इसीलिए किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है गैसेस के पार्टिकल के ऊपर वह निगलिजिबल लगता है, मतलब गैस का वो जो ग्रेविटी है वो गैस के पार्टिकल के ऊपर लगता तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इसलिए गैस के पार्टिकल हमेशा दूर दूर रहते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो आपका अर्थ का एटमॉस्फियर है तो अर्थ का एटमॉस्फियर ग्रेविटी की वजह से रुका हुआ है। अब मान लो ढेर सारे पार्टिकल हैं गैसेस के तो ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे ही आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे ही क्या होता है, ग्रेविटी की वैल्यू भी कम होती है, और ऊपर जाओगे आप तो जो एयर का जो लेयर होता है वो भी धीरे धीरे थिन होता जाता है, नीचे धरती की सतह से एयर थोड़ा सा, एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एयर का जो कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि मान लो अगर अर्थ है, ठीक है, ऐसे अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ ये जो एटमॉस्फियर है वो ग्रेविटी की वजह से रुका हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो उसका जो एटमॉस्फियर है वो धीरे धीरे पतला होता जाता है, क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर काम तो कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, इसलिए तो ये एटमॉस्फियर अर्थ से बंधे हुए हैं, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है कि उस गैसेस के पार्टिकल को ले आके जमीन पे ऐसे चिपका दे। जैसे अगर आप किसी भी, जैसे ये मेरे पास मार्कर ही है, अगर मैं छोड़ूं तो ये हवा में नीचे आ गया, देखो गिर भी गया, बताओ गिर भी गया, मतलब ऊपर से छोड़ रहे तो नीचे आ जा रहा है, बताओ इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो ये नीचे आके जमीन पे चला जा रहा है, मतलब जमीन पे एकदम गिर जा रहा है, लेकिन वहीं पर गैस के पार्टिकल भी ऐसे ज़मीन पे गिर जाने चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ग्रेविटी उसके ऊपर कम तो कर रहा है, ग्रेविटी ने उसको पकड़ के तो रखा हुआ है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है कि उसको ऐसे ज़मीन पे एकदम पकड़ के उसे में चिपका दे, ठीक है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तीसरा है, अगला जो है फाइव नंबर, कह रहा है पार्टिकल ऑफ गैस आर ऑलवेज
इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन, पार्टिकल जो होते हैं गैसेस के वो हमेशा कॉन्स्टेंट और रैंडम मोशन करते रहते हैं, हमेशा इधर उधर हिलते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल जो है गैसेस के हमेशा क्या करते रहते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। और भी कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल जो है गैसेस के, एक तो हमेशा इधर उधर हिलते रहते हैं, हमेशा इधर उधर हिलते रहते हैं, पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन होता है, ये तो आपको पता ही है। हर कोई भी पार्टिकल हो, सिर्फ गैसेस के लिए नहीं है, सॉलिड का हो, लिक्विड हो, सारे पार्टिकल्स हमेशा एक वाइब्रेशन में होते हैं, एक रैंडम वाइब्रेशन में होते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं। मान लो इनके पार्टिकल हिल भी रहे हैं, और हिलने के साथ साथ कह रहा है कि ये जब चलते हैं तो किसी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इधर भी जा सकता है, इसका स्ट्रेट लाइन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब अपने चारों तरफ हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। अगर ये दूसरे से कोलाइड भी होंगे तो भी स्ट्रेट लाइन में होंगे। जैसे मान लो कि अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 पार्टिकल होंगे इसके, तो मैं कहूँ कि ये वाला ऐसे आता है समझ में आता है, ये वाला ऐसे आता है समझ में आता है, ये वाला ऐसे इधर जाएगा इधर जाएगा, मतलब किसी एक स्ट्रेट लाइन में जाकर के कोलिजन कर सकता है। कभी ऐसा नहीं है कि मान लो अगर इसका कोलिजन इससे हो रहा है, सपोज करना इससे कोलिजन इससे हो रहा है, ठीक है, इसका बीच में कोई नहीं, इसका इससे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल कहेगा ठीक है नहीं पहले इधर घूम लेते हैं, फिर इधर घूम लेते हैं, फिर ऐसे घूम के ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे नहीं टकराएंगे, फिर ऐसे जाएंगे तब जाके इससे टकराएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? कि मतलब पार्टिकल सीधे सीधे टकरा सकता था, जाके कोलाइड कर सकता था, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ऐसे घूम घूम के जाएगा, इतना लंबा रास्ता तय करेगा, तब कहेगा ठीक है अब मैं जाके इससे टकराऊंगा, मैं इनको इसलिए नहीं टच कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं इसको नहीं टच कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा ना। पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेंगे गैसेस के। अब इनके सामने कोई भी आगे उससे कोलाइड हो गए, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेंड कर जाएंगे, सीधे इससे टकरा जाएगा, ठीक है ना, सामने तो ही है, पहले इसी से टकरा जाएगा, इसे टकराने के बाद बचेगा, इससे टकरा जाएगा, इससे टकरा जाएगा, इससे टकरा जाएगा, फिर बचेगा, इससे टकरा जाएगा, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते रहते हैं, हमेशा रैंडम मोशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, और हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है। ऊपर जाएंगे तब भी स्ट्रेट लाइन, इधर जाएंगे तब भी स्ट्रेट लाइन, इधर जाएंगे तब भी स्ट्रेट लाइन, ऐसे कभी घूम घूम के ऐसे ट्रेवल नहीं करते हैं, ठीक। अब जो 7th पार्टिकल है वो कहता है कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये मैं समझना पड़ गया, कोई खींच रहे हम गैस के मॉलिक्यूल को नहीं। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पार्टिकल प्रेजेंट है। मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, इसकी 2 जूल, इसकी 3 जूल, इसकी 4 जूल और इसकी 2 जूल। अब गिनो कितना जूल हो गया टोटल, 1, 2, 1, 3 और 3, 4, 7, 7, 3, 10 और 10, 2, 12। मतलब इस कंटेनर के अंदर जितने पार्टिकल हैं गैसेस के, इन पार्टिकल का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है कितना है, 12 जूल है। अब बताओ ये पार्टिकल अगर जाके इससे कोलाइड कर रहा है, सपोज करो इससे कोलाइड होने के बाद, ठीक है ना, कोलाइड जैसे इससे हुआ, इसने अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी, या फिर मान लो यह जाके इससे कोलाइड हो रहा है, सपोज कर लो यह इससे कोलाइड हो रहा है, तो यह अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा। मान लो इसको दी हो गई, मान लो इसके पास एक बचा क्योंकि इसके पास 2 था, एक इसको दे दिया। अब मान लो इसे आके कोलाइड ये होता है, इससे ये वाला जाके इससे कोलाइड होता है, इसके 3 थी, सपोज करो इसने अपना एक इसको दे दिया, इसके पास कितना हो गया 4, इसके पास कितना हो गया 1। अब सपोज करो ये जाके इससे कोलाइड हुआ तो इसके पास 4 थी, सपोज करो इसके पास हो गया 5, इसके पास हो गया 1 कम, ठीक है। अब ये जाके इससे कोलाइड हुआ तो सपोज कर लो इसका कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया 4। अब थोड़ा फिर से कैलकुलेट करोगे, 1, 2, 3 मतलब ये कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए, 1, 1, 2, 2 हो गया, और 3, 2, 5, 5, 4, 9 और 9, 3, 12 यानी अभी भी कितना है 12 है। अब एक चीज़ देखो आप, कोलिजन जब हो रहा है तो कोलिजन होने के बाद भी इनकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ आपस में चेंज हो रही है, ऐसा नहीं कि पूरे सिस्टम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। देखो इनिशियल भी 12 जूल था और फाइनल भी कितना आ रहा है, 12 जूल आ रहा है, यानी कि कितना भी कोलिजन कर रहे गैस के पार्टिकल्स आपस में, उनके अंदर यह जो एनर्जी ट्रांसफर है काइनेटिक एनर्जी का, वो हमेशा इलास्टिक रहेगा, मतलब उनके अंदर जो नेट काइनेटिक एनर्जी है वो कभी नहीं चेंज होगी। हाँ, किसी एक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अभी यहाँ लास्ट में लिखा भी है कि कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, और नीचे के लाइन से आप देखिए कि एट एनी पार्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे मान लो कि ये यहाँ से कोलाइड कर रहा था, ये इधर कोलाइड कर रहा था, देखा नहीं आपने कैसे कैसे अपने एनर्जी को चेंज कर रहे थे, तो जब चेंज एनर्जी को कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो बदल रही है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बदली तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे पहले इसका 2 जूल था पहले,
इससे अगर टकराया, टकराने के बाद कितना हो गया 1 जूल, इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब ये इसकी 4 थी, ये जाके इससे टकराया, 1 इसको दे दिया, कितना हो गया 3, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। मतलब ऐसे ही आपस में इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन इनके जो टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वह नहीं चेंज होगी। मतलब पूरे गैस मॉलिक्यूल का एक साथ काइनेटिक एनर्जी 12 जूल था, तो कोलिजन के आफ्टर कोलिजन के बाद भी कितना रहेगा, 12 जूल ही रहेगा। देयर इज नो हरासमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। मतलब किसी भी गैस पार्टिकल का कोई भी काइनेटिक एनर्जी हरासमेंट नहीं होता है। अब जब काइनेटिक एनर्जी हरासमेंट नहीं होगा तो पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन में करता रहेगा। जब रैंडम मोशन करता रहेगा तो वाइब्रेशन भी करता रहेगा, वाइब्रेशन रहेगा तो वो कंटेनर से लगातार टकराता रहेगा, और कंटेनर से टकराएगा तो हमेशा प्रेशर कुछ ना कुछ गैस एग्जर्ट करता रहता है। जैसे अभी अभी आप बायल्स लॉ के बारे में जानते हो कि बायल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक चीज़ समझो आप कि प्रेशर आता कब है, प्रेशर कहाँ से आता है। देखो यह जो पार्टिकल हैं जब यह कंटेनर्स के वाल से जाके टकराते हैं तब प्रेशर एग्जर्ट करता है। अगर ये कंटेनर के वाल से जाके टकराए नहीं तो कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा। कंटेनर से टकराने के बाद इनके ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। तो प्रेशर आ रहा है कंटेनर से कोलिजन की वजह से, कंटेनर के कोलिजन की वजह से। अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूं, बात समझो, यहाँ पे वॉल्यूम कम था, मैं कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिकल, 1 2 3 5 4 6 7 पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कम है, बात समझना, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कम है। और यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम कम है तो बहुत आसानी से टकरा रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, पास पास से टकरा रहे हैं कंटेनर के वाल से जा करके। लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम जैसे ही आप और बढ़ा दोगे, वॉल्यूम बढ़ने के बाद क्या होगा, कंटेनर के बीच इन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और कोलिजन पर यूनिट एरिया जो है वो कम हो जाएगा। मतलब अब जो टकराव इसमें होगा वो कम होगा क्योंकि देखो एरिया ज्यादा हो गया और यहाँ पे एरिया कम है। ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ से इसको जाके यहाँ पे टकराना हो, अगर ये पास पास हो वैसे ऐसे टकरा सकता है, ठीक है, जल्दी 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 टकरा रहा है। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो उसी स्पीड से ये जाएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, समय लगेगा। यानी कि समय लग रहा है टकराने में, क्या लग रहा है, समय लग रहा है। जब लगातार नहीं टकरा है, जितना तेज टकराएगा उतना उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब बताओ धीरे धीरे टकरा रहा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। मतलब इसका जो प्रेशर होगा लो होगा और इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कम, तो प्रेशर हाई। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम क्या किया, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया, कम। यही क्या है, यही तो है आपके पास बायल्स लॉ। बायल्स लॉ ही कहता है ना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखो वॉल्यूम आपने क्या किया, कम, तो प्रेशर इसका क्या हो गया, बढ़ गया। और वॉल्यूम कम करोगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जितना बढ़ाओगे कंटेनर के अंदर कोलिजन पर यूनिट क्या होगा, कम हो जाएगा। कोलिजन पर यूनिट कम होने से प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर कम हो गया, यही तो है बायल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ भी आप जानते हो, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बताओ एक बात, अब खुद सोचना, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है ना, इस कंटेनर का मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं, प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है, मान लो इसका कोई कांस्टेंट प्रेशर। एक बात बताइए आप, जो कांस्टेंट प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है, कोलिजन पर यूनिट की वजह से आ रहा है, मतलब ये टकरा रहे हैं, जितना टकरा रहे हैं इसकी वजह से आ रहा है। सपोज कर लो कि इसका जो प्रेशर कांस्टेंट है 1 bar है, ठीक है ना, इसका जो कांस्टेंट प्रेशर है कितना है, 1 bar है। अब बताओ वॉल्यूम जो है ये भी कांस्टेंट है, यह जो प्रेशर है वो भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। वॉल्यूम अभी नहीं चेंज कर रहा हूँ, वॉल्यूम वही है, बात समझिएगा, वॉल्यूम वही है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ आप, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे टेम्परेचर, इसे आप नीचे से दोगे तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब पार्टिकल की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनके टकराव जो होंगे, कोलिजन इस कंटेनर से, वो बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ा इसका मतलब क्या होने लगेगा, प्रेशर बढ़ना लगेगा। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखना है इसका वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर को आपको रखना है कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के चक्कर में आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। यही क्या है आपके पास, चार्ल्स लॉ है, ठीक है ना। वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन जो होता है वो यूनिट वो बहुत तेज तेज होने लगता है और उस कोलिजन की वजह से प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है या फिर खुद गैस अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है, ठीक है। तो यह था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। 5-6 पास्टुलेट हमने जो देखे यहाँ पे, हमने 8 पास्टुलेट देखे। ये जो 8 पास्टुलेट हैं वो किसी भी गैसेस के
सभी गैसेस लॉ को डिफाइन करने के लिए ही बनाए गए थे, और ये वही थ्योरी है जो किसी भी गैसेस की ऐसे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकती है। नहीं तो आप जितने भी लॉ पढ़ते हो उसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आखिर क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों आपका प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम ज़्यादा हो जा रहा है। तो इन सभी को डिफाइन करने के लिए आपके पास था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को समझा होगा। प्यारे बच्चों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।